Hello everyone, welcome to or welcome back to my channel. Today in this video I will tell you the easiest way to make money online in 2022. आज जिस स्किल या जिस काम के बारे में बताने वाली हूँ उसकी सबसे बेहतरीन बात यह है कि उसमें कंपटीशन एकदम ज़ीरो है. चाहे तुम इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, नेपाल से हो, बांग्लादेश से हो या किसी भी हिंदी स्पीकिंग कंट्री से हो, तो वहाँ पर जो इसका कॉम्पिटिशन है वो एकदम ज़ीरो है. तो चांसेस ये है कि अगर तुम ये वर्क सीख लोगे तो तुम्हें बहुत ईजिली काम मिलने लगेगा जो कि तुम्हें एक अच्छी अर्निंग दे. अब इस वर्क की दूसरी बेहतरीन बात यह है कि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है. अब डिमांड क्यों ज्यादा है? क्योंकि तुम्हें पता है कि हर एक प्रोडक्ट और हर एक शॉप आजकल Amazon पे या Etsy पे सेल करना चाहती है. तो तुम्हें क्या करना होगा, इस काम में जितने भी सेलर्स जो कि ई-कॉमर्स वेबसाइट पे सेल करना चाहते हैं उनकी प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी होगी. अब प्रोडक्ट की लिस्टिंग करके उनके जो प्रोडक्ट है उसको टॉप पे दिखाना होगा. फिकर नॉट, मैं तुम्हें हर एक चीज एक्सप्लेन करूंगी कि ये काम कैसे करते हैं और तुम एक काम से कितनी अर्निंग कर सकते हो और तुम्हें ये काम कहाँ पे मिल सकता है. मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो. फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि ये काम क्या है. इस काम में तुम्हें जितनी भी ई कॉमर्स वेबसाइट हैं जैसे कि Amazon, Etsy, Walmart, Flipkart एक्सेट्रा पे जो सेलर्स हैं उनकी प्रोडक्ट को लिस्टिंग करनी होगी. यानी कि तुम्हें जो प्रोडक्ट वो सेल कर रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन, उसका आइटम पेज, उसका प्रोडक्ट पेज पूरा लिखनी होगी. यानी कि तुम्हें उस प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी होगी. अब तुम्हें इन्फॉर्मेशन लिखते टाइम कुछ ऐसे कीवर्ड्स डालने हैं, उसका एसईओ ऐसा करना है और साथ साथ तुम्हें कुछ ऐसी एंगेजिंग चीज़ें लिखनी है कि जो उनका प्रोडक्ट है अगर कोई सर्च करे वो टॉप पे दिखे. अगर वो टॉप पे देखेगा तभी उसकी सेल ज़्यादा होगी. तो तुम्हें यहाँ पे बेसिकली प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी है उन प्रोडक्ट्स की जो कि लोग Amazon पे या बाकी ई कॉमर्स वेबसाइट पर सेल करना चाहते हैं. अब तुम सोच रहे होगे तो कि तुम्हें लिखना नहीं आता, तुम्हें कीवर्ड कैसे सर्च करें, इन सब के बारे में कोई नॉलेज नहीं है. डोंट वरी, मैं तुम्हें एक सुपर अमेजिंग टूल बताऊंगी जिसकी हेल्प से ये सारा काम तुम बहुत ईजिली कर सकते हो. बट उससे पहले आई वॉन्ट टू गिव यू अ प्रूफ कि इसकी डिमांड कितनी ज़्यादा है और इसका कॉम्पिटिशन कितना कम है और तुम इसके थ्रू कितनी अर्निंग कर सकते हो. अब अगर मैं फाइवर की बात करूँ, यहाँ पे टाइप करूँ Amazon लिस्टिंग, तो यहाँ पे बेस्ट सेलिंग Amazon प्रोडक्ट लिस्टिंग. ये एक कॉपी ग्राफर सेलर है जिसने ऑलरेडी 1K प्लस लिस्टिंग लिखी हुई है और इसकी स्टार्टिंग चार्जेस है 4831. और अगर मैं यहाँ पे तुम सारे सेलर्स का प्राइस रेंज देखोगे, चाहे वो ये हो एलेक्स वेल्स्टॉन, ये भी 5000 प्लस चार्ज करता है और ये 1K प्लस लिस्टिंग कर चुका है. सेम वे ये तो फोकस वीडियो, शी चार्जेस अराउंड 22000, शी चार्जेस अ बॉम्ब. उसके अलावा ये वाला जो सेलर है इसकी भी 4831 अराउंड 5000 चार्ज करता है. और तुम इनके रिव्यूज़ देखोगे तो ये ऑलरेडी 801 के क्रॉस कर चुके हैं. यानी कि इन्होंने अभी तक 2 से 3000 पावर लिस्टिंग प्रोडक्ट लिस्टिंग लिखी हुई है. तो तुम यहाँ पे स्क्रॉल करोगे तुम्हें सारे सेलर्स मिल जाएंगे जो कि अर्न कर रहे हैं. इसके अलावा अगर तुम Freelance.in जैसी वेबसाइट पर जाओगे तो यहाँ पे लिखोगे, देखोगे आई एम लुकिंग फॉर Amazon लिस्टिंग एक्सपर्ट फॉर अकाउंट, नीड टू कॉपी फ्रॉम माई वेबसाइट एंड माई Amazon अकाउंट, 922 रुपीज़ पर आर. दूसरा एक जॉब है जो कि Amazon प्रोडक्ट मार्केटिंग फीडबैक मैनेजमेंट, आई एम लुकिंग फॉर समवन हु कैन ब्रिंग मी सेल्स एंड ऑल्सो मैनेज फीडबैक. अब ये भी एक प्रोडक्ट लिस्टिंग का ही काम है. देखो यहाँ पे Amazon FBA प्रोडक्ट लॉन्च, Amazon वेब सर्विसेज, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और इसका पे आउट है अराउंड 14000. एक और है यहाँ पे आई एम लुकिंग फॉर एन लिस्टिंग एक्सपर्ट. यहाँ पे तुम्हें लिस्टिंग एक्सपर्ट की काफ़ी सारी ऐसी पोजीशंस मिल दिख रही हैं. सेम वे अगर मैं Upwork की बात करूँ तो यहाँ पे एक सेलर है मोहम्मद ए, Amazon एक्सपर्ट PPC कैंपेन, SEO प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन, स्टोर फ्रंट. इसका भी बेसिकली काम है प्रोडक्ट को लिस्टिंग करने का और ये चार्ज करता है $15 पर आर. तो तुम ऐसे ही तुम्हें यहाँ पे सेलर्स दिख जाएंगे जो कि प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हैं एंड दे अर्न अ गुड हैंडसम अमाउंट. सो दिस वाज अ प्रूफ कि इस काम में कंपटीशन कितना कम है और अर्निंग कितनी ज़्यादा है. सो बेसिकली अगर मैं इन शॉर्ट बताऊं तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी होगी Amazon सेलर्स के प्रोडक्ट की. जैसे कि तुम्हें यहाँ पर दिख रहा है, तुम्हें ऐसे ही जितने भी सेलर्स हैं उनके प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, उनके आइटम के बारे में पूरा कीवर्ड एनालिसिस करके, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करके एक ऐसा सा डिस्क्रिप्शन बनाना है. अब तुम ये सोच रहे होगे कि तुम ये कैसे करोगे, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है. डोंट वरी, आई हैव कम अप विद अ सुपर अमेजिंग टूल जो कि तुम्हारी ये प्रोडक्ट लिस्टिंग कर सकता है विद इन 20-15 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट. तुम्हें सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट का नाम डालना है, वो पूरा कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करेगा, पूरा एसईओ ऑप्टिमाइजेशन करेगा और पूरा तुम्हें प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिख कर देगा। दिस टूल इज़ सो पावरफुल। अब उस टूल का नाम क्या है? उस टूल का नाम है पावर लिस्टिंग। तो चलो मेरी लैपटॉप स्क्रीन की तरफ और देखो कि ये टूल तुम्हें सही से कैसे बहुत ईजिली यूज़ करना है और कैसे इस टूल को यूज़ करके प्रोडक्ट लिस्टिंग करके एक अच्छी अर्निंग करनी है। यू हैव टू मेक मनी ऑनलाइन फ्रॉम होम। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, उस टूल का नाम क्या है? उसका नाम है पावर लिस्टिंग और तुम्हें powerlisting.com वेबसाइट पे आना होगा। यहाँ पर तुमने देखो लिखा है Amazon कीवर्ड रिसर्च एंड लिस्टिंग कंटेंट डन इन लेस देन 5 मिनट्स, स्टॉप बिल्डिंग योर लिस्टिंग्स फ्रॉम स्क्रैच, यूज AI पावर्ड बाय रियल शॉपर सर्चेस। यहाँ पे तुम्हें सबसे पहले अकाउंट बनाना होगा। अब जैसे ही तुम अपना अकाउंट बना लोगे तो तब तुम्हें कुछ ऐसा सा डैशबोर्ड दिखेगा। अब नई लिस्टिंग बनाने के लिए यू हैव टू क्लिक ऑन दिस प्लस न्यू ऑप्शन। जैसे ही तुम प्लस न्यू ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो तुम्हारा पेज कुछ ऐसा सा खुल जाएगा। यहाँ पे तुम्हें 9 स्टेप्स हैं एक लिस्टिंग जनरेट करने के लिए। स्टार्ट अ न्यू लिस्टिंग, गिव दिस प्रोजेक्ट अ नेम। सपोज मैं डालती हूँ एंड बर्थडे गिफ्ट्स। जो प्रोडक्ट है वो है हमारे बर्थडे गिफ्ट के रिगार्डिंग, यानी कि जो हमारा सेलर है वो बर्थडे गिफ्ट के रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल करना चाहता है Amazon पे, Walmart पे, Shopify पे या किसी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट पे। उसके बाद तुम्हें यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करनी होगी। अगर मैं यहाँ पे देखूँ US, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, फ्रांस, डेनमार्क, इंडिया, सारी जितनी भी ये कंट्रीज़ है, यहाँ इन सारी कंट्रीज़ की पावर लिस्टिंग्स ये टूल बहुत ईजिली कर सकता है। अब सपोज़ जो तुम्हारा क्लाइंट है वो US का है और वो बर्थडे गिफ्ट रिलेटेड प्रोडक्ट्स Amazon पे सेल करता है। एक एग्जांपल मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे बर्थडे गिफ्ट फॉर वुमेन, रिलैक्सिंग स्पा, गिफ्ट बॉक्स फॉर बास्केट फॉर हर मॉम, सिस्टर, बेस्ट फ्रेंड। ये एक बर्थडे गिफ्ट है। जो तुम्हारा सेलर है वो इस तरीके के बर्थडे गिफ्ट सेल करना चाहता है Amazon पे और उनकी ही तुम्हें प्रोडक्ट लिस्टिंग लिखनी है। तो तुम सबसे पहले यहाँ पर अपनी प्रोजेक्ट का नाम दोगे बर्थडे गिफ्ट्स, अपना यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करोगे। हमारा US का क्लाइंट है तो मैंने US सेलेक्ट कर रखा है। देन नेक्स्ट, फिर तुम उसका ब्रांड नेम सेलेक्ट करोगे। सपोज़ यहाँ पे जो ब्रांड नेम है वो है आईफिस मैन समथिंग, हमने यहाँ पे वो कॉपी करा। देन नेक्स्ट, फिर टाइप ऑफ प्रोडक्ट। अब हमारा सारे बर्थडे गिफ्ट्स हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बर्थडे गिफ्ट के ही प्रोडक्ट हैं, क्योंकि अगर तुम जैसे सपोज करो यहाँ पे कैंडल या कुछ ऐसा लिख दोगे तो ऐसा हो सकता है वो बर्थडे गिफ्ट अगर कोई सर्च कर रहा है उसको ना दिखे। इसीलिए जो हम कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करेंगे टाइप ऑफ प्रोडक्ट में बर्थडे गिफ्ट्स ही लिखेंगे। थर्ड है तुम्हारा एसिन कोड। हर एक प्रोडक्ट का Amazon या जितनी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट है एक कोड असाइन करती हैं, जैसे कि इस प्रोडक्ट का कोड ये है, हमने इसको यहाँ से सेलेक्ट करा, यहाँ पे कॉपी। देन नेक्स्ट, अब ऐसा करते ही जितने भी सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं वो तुम्हें यहाँ पे शो होने लगेंगे, जो कि Amazon में बहुत कॉम्पिटिटिव है, टॉप पे शो हो रहे हैं। अब यहाँ पे ये देखो रॉयल गिफ्ट बास्केट फॉर वुमेन, देन क्लेवर फ्राई अरोमा थेरेपी शावर स्टीमर्स, हैप्पी बर्थडे गिफ्ट्स फॉर वुमेन। यहाँ पे तुम्हें वो प्रोडक्ट्स दिख गए जो तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स होंगे, तो तुम्हें इनमें से जो 6 टॉप हैं उनको तो मिनिमम सेलेक्ट करना ही है अपनी पावर लिस्टिंग बनाते टाइम, ताकि जो तुम्हारी पावर लिस्टिंग हो उन कॉम्पिटिटर्स से बेहतरीन हो। मैं यहाँ पर सेलेक्ट करती हूँ ये 1, देन दिस 1, देन दिस, देन दिस, देन दिस। मैंने देखो यहाँ पे 3, 4, 5 और एक ये कर लेती हूँ, 6 प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट करा। अब इसके बाद इफ़ यू अग्री वी स्कैन Amazon and determine these products have the most overlap to yours. If you agree, click next. We have to click on this next option. अब इसके बाद हमें अपने प्रोडक्ट के 3 से 5 मेन फीचर्स ऐड करने हैं। तुम्हें जिस प्रोडक्ट की लिस्टिंग लिखनी हो उसके फीचर्स के बारे में पता होगा, तुम्हें यहाँ पे मेंशन करनी है। मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे जो कीवर्ड्स हैं उनको लिख देती हूँ कॉपी करके। मैंने ये जो प्रोडक्ट के 3-4 मेन फीचर्स थे उनको लिख दिया, तुम भी ऐसे ही लिख लेना अपने प्रोडक्ट के फीचर। देन गो टू दिस नेक्स्ट ऑप्शन, आर देर एनी कीवर्ड्स टू एक्सक्लूड। अब तुम्हें ऐसे यहाँ पे एक लिस्ट दिख जाएगी उन कीवर्ड्स की जो कि ये AI सॉफ्टवेयर इंक्लूड करेगा तुम्हारे प्रोडक्ट लिस्टिंग में, ताकि तुम्हारा प्रोडक्ट टॉप पे लिखे। तुम्हें इसको केयरफुली एनालाइज करना है और तुम्हें लगता है कि वो कीवर्ड्स जो कि तुम्हारे प्रोडक्ट से मैच नहीं करते उनको एक्सक्लूड कर देना है। सपोज अगर मैं वर्कर की बात करूँ, वर्कर जो एक कीवर्ड है वो ना ही बर्थडे गिफ्ट से रिलेटेड है, ना ही जो हमारा प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड है, तो वी कैन एक्सक्लूड दिस वर्कर. देन 11 ऑल्सो कैन बी एक्सक्लूडेड. एनिवर्सरी, ऑसम, बास्केट, बेस्ट, BFF, बर्थडे, बॉस, बैक्स. इंग्लैंड इज़ अनदर कीवर्ड जो कि हम एक्सक्लूड कर सकते हैं. उसके अलावा मदर, मदर्स, पैकेज, रिलैक्सिंग, वाइन, टम्बलर. वाइन इज़ अनदर कीवर्ड जो कि हम अपने से एक्सक्लूड कर सकते हैं. सेंटेड, वुमेन, वुमेन्स. बाकी सारे कीवर्ड मुझे ठीक लग रहे हैं. मैंने ये चार कीवर्ड्स मुझे लगा एक्सक्लूड करने चाहिए, इनको सेलेक्ट कर दिया और वो हमारे लिस्टिंग से एक्सक्लूड हो जाएंगे. देन यू हैव टू गो टू दिस नेक्स्ट ऑप्शन, चूज़ अ टोन फॉर योर लिस्टिंग. अब यहाँ पे फ्रेंडली, लग्जरी, रिलैक्स्ड, प्रोफेशनल, बोल्ड, एडवेंचरस. अब हमारा जो प्रोडक्ट है वो है एक बर्थडे गिफ्ट और वो बहुत ही लग्जरी प्रोडक्ट है, तो वी वॉन्ट द प्रोडक्ट लिस्टिंग का जो डिस्क्रिप्शन है उसकी लग्जरी वाली टोन हो, उसको सेलेक्ट करा. देन नेक्स्ट, आर यू श्योर all the info is accurate? I guess it's all accurate. Let's go. Submit. जैसे ही तुम सबमिट करोगे ये तुम्हारी लिस्टिंग को रेडी करने लगेगा. अब इस लिस्टिंग को रेडी होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 3 से 4 मिनट. अब ये देखो हमारी पावर लिस्टिंग जनरेट हो गई. मार्केट प्लेस, USA, ब्रांड नेम, एफएसमैन, प्रोडक्ट लिस्टिंग, बर्थडे गिफ्ट्स, ASN नंबर, सिमिलर प्रोडक्ट्स, फीचर्स, नेगेटिव कीवर्ड्स. जो सारी हमने चीज़ें चूज़ करी थी उसके अकॉर्डिंग हमारे इस AI सॉफ्टवेयर ने 1, 2, 3, 4, 5 लिस्टिंग रेडी करके दे दी. अब हमारा क्या काम है, हमें इन पाँचों ऑप्शंस को देखना है. इन पाँचों ऑप्शन से मिक्स और मैच करके, या तुम्हें एक भी ऑप्शन कोई सबसे सही लग रहा है उसको चूज़ करके अपनी लिस्टिंग जनरेट करनी है. जो तुम्हारा ये साइड है यहाँ पर तुम्हें अपनी लिस्टिंग जनरेट करनी होगी. अगर हम टाइटल की बात करें तो हमें यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें जो टाइटल है, एफएसमैन, बर्थडे गिफ्ट्स, हैप्पी बॉक्स फॉर वुमेन, सिस्टर, यूनिक, फ्रेंड्स एंड फन, हर, सरप्राइज, केयर, पैकेज, बेस्ट, रॉयल बास्केट. ये फर्स्ट जो ऑप्शन है उसका टाइटल ये है, सेकंड ऑप्शन का टाइटल ये है, थर्ड का ये है, फोर्थ का ये है एंड देन फिफ्थ का ये है. आई बिलीव ये जो ये वाला है, एफएसमैन, बर्थडे गिफ्ट फॉर सिस्टर, मॉम, यूनिक, सरप्राइज, केयर, पैकेज, हैप्पी बॉक्स, वुमेन, फनी, फ्रेंड्स एंड फीमेल, वाइफ, गर्लफ्रेंड, हर, ये काफ़ी ज़्यादा ऐप्ट है क्योंकि जो हमारा प्रोडक्ट है वो ऐसा ही कुछ है. तो हम इसको कॉपी करके यहाँ पे लिख लेंगे, अपनी जो लिस्टिंग है उसमें इंक्लूड कर लेंगे. देन नेक्स्ट हमारे बुलेट पॉइंट्स आते हैं. अगर हम इसकी फिफ्थ लिस्टिंग में देखें तो इम्प्रेस हर एट फर्स्ट साइट, इफ़ यू लुकिंग फॉर द बेस्ट परफेक्ट गिफ्ट फॉर हर देन लुक नो फॉर द, वी हैव द बेस्ट सिलेक्शन ऑफ बर्थडे गिफ्ट्स एंड अनफॉर्गेटेबल बॉक्सिंग. इम्प्रेस हर एट फर्स्ट साइट, ये वाला प्रोडक्ट जो बुलेट पॉइंट है ये ठीक है, हमने इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लिया और अपना एक बुलेट पॉइंट बना दिया. देन नेक्स्ट ऑप्शन 4 के बुलेट पॉइंट्स देखते हैं. देखो जो जो हमने फीचर्स डाले थे उसको इसने बहुत ही एडवांस तरीके से लिख कर तुम्हें दे दिया है. हमने ये सेलेक्ट करा एंड वी हैव इंक्लूडेड दैट वन. ऐसे ही करके तुम्हें अपने जितने भी फीचर्स हैं जो तुम सेलेक्ट करोगे इन पांचों ऑप्शन से इंक्लूड कर लेने हैं. फिर तुम्हें यहाँ पे अपना डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट समझ में आ गया कैसे लिखना है. अब डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं. डिस्क्रिप्शन अगेन यहाँ पे एक एफएसमैन, बर्थडे गिफ्ट इज़ अ हैप्पी बॉक्स फॉर वुमेन, यूनिक, फ्रेंड्स एंड फनी, एक तुम्हारा ऑप्शन ये है. उसके अलावा अगर हम ऑप्शन 2 में जाएँ, 1 में जाएँ तो उसका ऑप्शन देखते हैं डिस्क्रिप्शन का. दिस इज़ द बेस्ट गिफ्ट फॉर हर, शी विल लव इट, सरप्राइज योर सिस्टर विद दिस हैप्पी बर्थडे गिफ्ट बास्केट, आई बिलीव दिस डिस्क्रिप्शन इज़ गुड. तुम मिक्स और मैच भी कर सकते हो. आई वुड सजेस्ट, रिकमेंड यू कि तुम ये सब कुछ रीड करना और फिर मिक्स और मैच करना. तुम्हारा ये डिस्क्रिप्शन हो गया. देन तुम्हारे बैक एंड टर्म्स, सेट्स, वुमेन, बल्क, वुमेन, बास्केट, वुमेन, डार्क, फीमेल, वुमेन, बिग, सेम डिलीवरी, 90, 48, 20th, ये सारे बैक एंड टर्म्स हैं. तुम इन पाँचों में से जो भी बैक एंड टर्म्स है उसको देखना. सपोज मैं ऑप्शन 3 पे जाती हूँ और इसके बैक एंड टर्म्स चेक करती हूँ. सेट्स, वुमेन, बल्कि, हैप्पी वुमेन्स, बास्केट्स, वुमेन, डार्क, फीमेल, मुझे ये भी ठीक लग रहा है. मैंने ये इसको सेलेक्ट कर लिया और ये यहाँ पर टाइप कर दिया. उसके बाद तुम्हें यहाँ पे और ऑप्शन आता है कि तुम्हें अगर कोई चीज़ें और कीवर्ड्स ऐड करने हैं तो तुम यहाँ से ऐड कर सकते हो। अब ये देखो, ये तुम्हारी पूरी लिस्टिंग रेडी हो गई। तुम यहाँ से कट कॉपी पेस्ट कर सकते हो, अपने MS वर्ड पे कट कॉपी पेस्ट कर सकते हो, या यहाँ से डायरेक्टली अपने Amazon जो तुम्हारा जहाँ पे तुम्हें लिस्टिंग करनी है वहाँ पे कर सकते हो। सो दिस इज़ दैट ईजी। विद इन 5-10 मिनट्स तुम्हारा पूरा डिस्क्रिप्शन पर तुम्हारी पूरी लिस्टिंग, तुम्हारे बैक एंड टर्म्स, तुम्हारा SEO, तुम्हारा कॉम्पिटिटिव एनालिसिस सब कुछ होकर तुम्हारी ये लिस्टिंग रेडी हो गई। सो दिस इज़ अ वेरी ईजी टूल टू राइट पावर लिस्टिंग फॉर योर क्लाइंट्स और इवन फॉर योर सेल्फ इफ़ यू वॉन्ट टू सेल ऑन Amazon। अब लास्ट बात हम इसकी प्राइसिंग की कर लेते हैं। तो अगर हम इसकी प्राइसिंग देखें, पावर प्ले आइडल फॉर इंडिविजुअल्स इसका प्राइसिंग है $39 पर मंथ, और फिर पावर यूज़र का प्राइसिंग है $200 पर मंथ, और तीसरा है हमारा 1300 पर मंथ। तो तुमको जितनी लिस्टिंग करनी हो उसके अकॉर्डिंग चार्ज करना और उसके अकॉर्डिंग अपना जो टूल है उसको बाय कर लेना। सो दिस इज़ दैट ईजी। तुम सिर्फ और सिर्फ एक टूल यूज़ करके कितनी ईजिली काम कर सकते हो। और पावर लिस्टिंग का वर्क बहुत ज़्यादा है, सो डू नॉट गेट डीमोटिवेटेड। इस चीज़ को मुश्किल से तुम्हें आधा घंटा 1 घंटा लगेगा इस टूल के इंटरफेस को समझने में और पावर लिस्टिंग कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं उसको समझने में। आई वुड सजेस्ट यू गिव इट अ ट्राई। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। तुम्हें एक नई चीज़ पता चली हो, एक नया वर्क पता चला हो जो कि तुम घर बैठे कर सकते हो एंड यू कैन मेक मनी ऑनलाइन दिस ईयर। आई होप यू लाइक्ड इट। और अगर अच्छा लगा हो और तुम ये वर्क करने वाले हो और करने के बाद तुम्हें सक्सेस मिलती है तो डू नॉट फॉरगेट टू मेल मी, DM मी और कॉमेंट सेक्शन में बताना कि तुमने ये काम करा, तुम्हें ये चीज़ अच्छी लगी और इसके थ्रू तुम अर्निंग कर रहे हो। आई विश यू ऑल द बेस्ट।